नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम वेज मायोनी बनाएंगे, वो भी घर पर। घर पर पड़ी हुई चीज़ों से बिल्कुल आसानी से मायोनीज बन जाती है, सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक जार में दूध लेंगे, आधा कप दूध है। इसमें नमक डालेंगे, चीनी और अब इसे थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। तेल एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। देखिए इसने पूरा तेल अब्सॉर्ब कर लिया। जब तक ये तेल पूरा मिक्स नहीं हो जाता तब तक इसे ब्लेंड करना है और फिर दोबारा थोड़ा तेल ऐड करना है। तेल एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। अब देख सकते हैं, देखिए काफी ठीक हो गया है। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि दूध फट जाता है तो उसमें 2 छोटे चम्मच ठंडा दूध डाल दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। इसका पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसे गाढ़ा होने तक एकदम बीट करेंगे। देखिए ये काफी ठीक हो चुका है, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए इससे ज्यादा अगर आपको ठीक करना है तो थोड़ा सा और ब्लेंड कर लीजिए, मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। देखिए मायोनीज बनके तैयार है, इसे हम कांच की एयरटाइट बॉटल में स्टोर करेंगे। बहुत ही स्मूथ सिल्की टेक्सचर इसका आया है और घर पर बनी है तो हाइजेनिक भी है। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, मूंगफली का तेल इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करें और ऑलिव ऑयल अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ करें। मायोनीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑलिव ऑयल, आधा कप दूध, 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 1 छोटा चम्मच चीनी, नमक स्वादानुसार और 2 छोटे चम्मच विनेगर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च।